आप लोग ये जान लीजिए कि एक कॉपीराइट क्लेम होता है, एक कॉपीराइट स्ट्राइक होता है। तो कॉपीराइट क्लेम आने से आपके चैनल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस ये रहेगा कि आप अगर उससे पैसा कमा रहे तो आप नहीं कमा पाएंगे, वो रेवेन्यू जो कॉपीराइट क्लेम उसको चले जाएगा। आप जैसे टी सीरीज की म्यूजिक ले लिए, सारेगामा पा की ले लिए, या किसी की वीडियो उठा के डाल दिए, वो तो है, ये हो गया। और कॉपीराइट जो स्ट्राइक होता है, ये यूट्यूब की पॉलिसी में ये है कि अगर आपके चैनल पे 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया तो आपका चैनल 1 हफ्ते में टर्मिनेट हो जाएगा। तो मेरे चैनल पे स्ट्राइक कुछ भी नहीं था, कॉपीराइट क्लेम की 1-2 वीडियो थी जिसको मैंने डिलीट कर दिया था, पुरानी वीडियो। पहली बात कि आप NCS से या ऑडियो लाइब्रेरी से, जो यूट्यूब कहता है कि यहाँ से म्यूजिक डाउनलोड करो, आप ब्लॉग में यूज कर सकते हो, या कोई आप फिल्म मेकिंग कर रहे हो उसमें बैकग्राउंड में यूज कर सकते हो, कॉपीराइट नहीं आएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, कॉपीराइट किसी भी म्यूजिक पे कभी भी यूट्यूब दे सकता है, वो तो सही है, ठीक है। हम लोगों के 2-2 साल 2.5-2.5 साल के पुराने वीडियो पे अब कॉपीराइट क्लेम आ रहा था, आपके भी 2 वीडियो पे आया था, आया हमने वहीद भाई के 1 वीडियो पे आया था। तो मेन चीज है कि आप जितना हो सके म्यूजिक से बचे, ठीक है। लेकिन वसीम भैया, मेन पॉइंट आप नहीं बताए, ठीक है। तो मेन पॉइंट जो बता रहा हूँ कि आप ये हमें बताइए कि क्या आप गलती किए थे कि आपका चैनल टर्मिनेट हो गया। सबसे पहला गलती कि मैं जो पॉलिसी को ध्यान से नहीं पढ़ा। अच्छा। हमें सबसे पहले अगर किसी प्लेटफॉर्म पे काम करना है तो उसके नियम और कानून जानना जरूरी होता है, वो तो जरूरी है। जो कि आजकल के जो नए नए यूट्यूबर हैं वो भी यही गलतियां कर रहे हैं। हाँ। कि बिना नियम कानून करके उठाए कैमरा, रिकॉर्ड करके डाल दिए, उसकी एक गाइडलाइंस होती है। हाँ। तो यूट्यूब पे ये कहा गया है कि किसी गलत चीज की एक्टिविटी आपको नहीं दिखानी। तो आप गलत क्या किए वो बताइए। गलत मैंने नहीं किया था, मेरे साथ गलत हो गया। एक गलती मैंने किया था और वो बहुत छोटी गलती है मेरे नज़र में। हाँ, तो वो गलती हमें बताइए आप। हुआ ये कि मैंने लगभग 1 साल के समथिंग एक वीडियो डाला था, पबजी का। हाँ। तो वो वीडियो मेरा लगभग 1 लाख के आसपास चल गया था। अच्छा। मतलब उसको अच्छा रिस्पॉन्स दिया ऑडियंस ने। अच्छा। लेकिन उस वीडियो में मैं एक हैकर जो कि गेम प्ले खेल रहा था, वो किस तरह गेम को चीट कर रहा था या किस तरह वो लोगों को गलत तरीके से मार रहा था, वो चीज लोगों को दिखाने की कोशिश की। और उस टाइटल में मैंने ये लिख दिया था कि हैकर गेम प्ले लाइव स्ट्रीम। बस वो हैकर शब्द की वजह से मुझे टेंसेंट वाले ने, टेंसेंट कौन है, पबजी मोबाइल का वो है, ब्रांड एम्बेसडर है समझ लो, उस कंपनी का मालिक है आधा। उधर बताइए। तो जो पबजी वाला है, जो टेंसेंट कंपनी और क्राफ्टन मिलकर जो पबजी का वो चलाते हैं, जो भी चलाते हैं, तो टेंसेंट कंपनी वालों से मुझे एक ही दिन में 5-5 कॉपीराइट स्ट्राइक आता है। और उनका कहना ये होता है कि आपने इस वीडियो के माध्यम से हमारे गेम को चीट किया है या लोगों को गलत निर्देश दिया है। चलिए, ये सब बात छोड़िए वसीम भाई, और आप टेंशन ना लीजिए तो बेहतर है। आप चैनल बना लिए नया? मैं चैनल अभी, हमारे वहीद भाई बोले कि आप बनाओ। हाँ। और हम सपोर्ट करेंगे, हम लोग मिलके, हम लोग नहीं, हमारे सब लोग सपोर्ट करेंगे, आप टेंशन मत भैया लोग। हाँ, जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर मित्र हैं, वो सब लोग मिलकर आपका सपोर्ट करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। जो हमारे वीडियो अभी देख रहे हैं लाइव बैठ के, जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो तुरंत आपका चैनल सब्सक्राइब, मतलब आपका चैनल सर्च करके तुरंत सब्सक्राइब करेंगे। आप ये बात दिल में रख लीजिए। मैं उम्मीद यही करता हूँ कि हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, मुझे 1000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द करना है। आप टेंशन मत लीजिए, आपका 1000 सब्सक्राइबर 1 महीने के अंदर इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे। वो हमें इन भाइयों पर बहुत ज़्यादा भरोसा है ना भाई। तो फटाफट इनके चैनल को आप लोग सर्च कीजिए, क्या नाम है, बेहतर गाइड, वही पुराना चैनल के नाम से नया बनाए हैं। अगर हो सकता है कि नया बनाया हो तो हो सकता है कि वो सर्च में तुरंत ना आए, तो अगर पॉसिबल रहेगा तो